हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स में एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आए हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन है x plus lambda और 2x और x plus lambda को हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम पहला काम क्या करते हैं उसको देखने वाली बात, हम देखते हैं कि यहाँ पे 5x plus lambda है, तो ये 2x और ये x मिलकर के क्या हो जाएंगे हमारे पास 5x plus lambda। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, we can say that प्रूफ में हम यहाँ पर सबसे पहला काम c1 tends to c1 plus c2 plus c3 हम तीनों कॉलम को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या लिख जाएगा, ये हो जाएगा 5x plus lambda, यहाँ हो गया 2x, x plus lambda, 2x, x plus lambda, अब इसमें से हमको कि हमें ये बाहर चाहिए था, इसको हम कॉमन ले सकते हैं, taking common 5x plus lambda from C1 से निकालेंगे, तो that is equal to 5x plus lambda, common हो गया हमारा 1, 2x, यहाँ x plus lambda, 2x और यहाँ पर 2x और x plus का lambda। तो एक प्रॉपर्टी तो हमने यहाँ पर कंप्लीट की। अब इसके बाद जो है थोड़ी सी बात हम आते हैं कि R2 tends to R2 minus R1 और R3 tends to R3 minus R1 का। यहाँ लिखेंगे here R2 tends to R2 minus R1 and R3 tends to R3 minus का R1 करते हैं। तो that is equal to here 5x plus lambda और यहाँ पर हो जाएगा 1, 2x और यहाँ 0 और यहाँ पे R2 minus R1 यानी इसमें से माइनस करेंगे lambda minus का x, ठीक है। और यहाँ हमारे पास हो गया 0, यहाँ भी आपका 0 और ये हमारे पास हो गया lambda minus x, तो हम इसको जो है यहाँ भी आपका क्या वैल्यू होगी 0 होते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ हमारे पास जो है वैल्यू जो मिलता है एक्सपेंड कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास हो गया 5x plus lambda और यहाँ हमारे पास जो है ये 1 ब्रैकेट में लैम्डा माइनस एक्स माइनस का 0 और उसके बाद माइनस का 2x ब्रैकेट में ये हो जाएगा माइनस, ये हमारे पास जो है 0 माइनस का, तो ये हमारे पास सभी 0 माइनस का 0 और फिर यहाँ पर हमारे पास जो है प्लस 2x और ब्रैकेट में यहाँ भी आपका 0 माइनस 0। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो 5x प्लस का लैम्डा और यहाँ हो जाएगा लैम्डा माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस जीरो, अब ये हमारे पास 5x प्लस लैम्डा और यहाँ हो जाएगा लैम्डा माइनस एक्स का स्क्वायर, दिस इज अ RHS। हम आसानी से हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आपने बड़े ध्यान से हमारी वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।